हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक एसएससी चैनल। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया हो। जो सीपीओ का एग्ज़ाम हमारा हुआ है आज 27 जून को, जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुई है शिफ्ट 2 की, जो एनालिसिस है, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सीपीओ के एग्ज़ाम शिफ्ट एग्ज़ाम आज के एग्ज़ाम में, और उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, किस तरह के लेवल आए हैं, ये सारे पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बेसिकली एनालिसिस वीडियो है जहाँ पर सीपीओ के ऊपर डिस्कशन होगा। सीपीओ में एग्ज़ाम के जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 अभी तक हो चुके हैं उस पर डिस्कस करेंगे। शिफ्ट 1 के डिस्कशन ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो शिफ्ट 1 में जितने क्वेश्चन आए थे उस पर रौनक सर ने डिस्कस किया है हमारे शिफ्ट 1 पे। अभी हम शिफ्ट 2 पे डिस्कस करेंगे। तो शिफ्ट 2 की जो एग्ज़ाम लेवल थी वो भी काफ़ी सिमिलर थे शिफ्ट 1 से। जो शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आए थे वैसे ही शिफ्ट 2 में भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। आपको पता ही है एसएससी के एग्ज़ाम्स में मोस्टली ऐसा होता है कि जो शिफ्ट होते हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं शिफ्ट 1 में या शिफ्ट 2 में क्वेश्चन, वही एक्सपेक्ट किया जाता है कि शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 में भी पूछा जाए। इनफैक्ट आने वाले आगे के शिफ्ट में भी सेम तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखता है। तो वैसे ही एज एक्सपेक्टेड था, वैसा ही क्वेश्चन इस बार भी आया है, वैसा ही इस बार भी हमको देखने को मिला कि शिफ्ट 2 में जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है, जो डिफिकल्टी लेवल है, जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, वो भी काफ़ी सिमिलर आए हैं शिफ्ट 1 की तरह। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। जो पहला जो सब्जेक्ट था रीजनिंग का, रीजनिंग में ईजी लेवल का क्वेश्चन आया था, जिसमें हम 39 बच्चे अटैम्प्ट कर क्या है, 39 प्लस लोगों ने अटैम्प्ट किया है, और ईजी लेवल का क्वेश्चन आया, ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं था। वैसे ही जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में भी ईजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आया है, 35 क्वेश्चन लोगों ने बोला है कि एटलीस्ट 35 क्वेश्चन एवरेज लोगों ने अटैम्प्ट करा है। वैसे ही क्वांट के जो क्वेश्चन आए थे थोड़ा ईजी टू मॉडरेट लेवल का था, थोड़ा ईजी और मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं, थोड़ा मॉडरेट की तरफ ज़्यादा था। तो इसमें 28 क्वेश्चन आए हैं शिफ्ट 2 में। वैसे ही 28 क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों ने अटैम्प्ट कर पाए हैं, जो भी टाइम था उसमें 28 क्वेश्चन बच्चों ने अटैम्प्ट किए हैं। वैसे ही इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के जो क्वेश्चन है, इंग्लिश के जितने क्वेश्चन है ईजी लेवल के क्वेश्चन आए, ईजी टू मॉडरेट था, अगेन ईजी की तरफ ज़्यादा टेंडेंसी थी। तो ईजी क्वेश्चन आए थे 40 क्वेश्चन बच्चों ने अटैम्प्ट करा है। तो अगर आपने 150 तक क्वेश्चन अटैम्प्ट करा है, तो ये एवरेज बच्चों ने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। अगर आपने इतना अटैम्प्ट किया है तो आप अच्छा मार्क्स स्कोर करके आप आए हो, अच्छा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करके आए हो, आगे की तैयारी कीजिए। तो 142 टू 150 क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि गुड अटैम्प्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो जिसकी एनालिसिस करेंगे वो है जीके क्वेश्चंस की एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जीके से अगर कोई सेक्शन में, अगर हमारा जैसे हमारा जो शिफ्ट 1 में जैसे क्वेश्चंस आए थे जीके से, वैसे ही शिफ्ट 2 में भी सेम टाइप के सेम क्वेश्चंस अलग अलग तरह से पूछे गए हैं। तो जैसे कि पहला जो क्वेश्चन आया था पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन आया था, तो आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट हर एसएससी की बहुत सारे एग्जाम्स में, इनफैक्ट सीपीओ के प्रीवियस में भी देखा जाए तो पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछी जाती है। तो इसमें पूछा गया असद अली खान का, जो कि एक म्यूजिशियन है, वो क्या बजाते हैं, ये पूछा गया था। तो वो वीणा प्लेयर है, ये आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देन क्लासिकल डांस फॉर्म के बेसिस पे क्वेश्चन आया कि मणिपुरी जो डांस फॉर्म है ये कौन से स्टेट की है, तुमको पता है मणिपुर की है। देन क्या है, नॉट अ डांस फॉर्म ऑफ गोवा, चार ऑप्शंस दिए हुए थे, इसमें से कौन सा डांस फॉर्म नहीं है गोवा का, वो पूछा गया था। देन पूछा गया था कथक डांसर का ड्रेस, कथक डांसर्स जो होते हैं वो क्या ड्रेस पहनते हैं, उस पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले शिफ्टों में भी सेम तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन से स्टेट का कौन सा डांस फॉर्म है, किस तरह के अगर कोई डांस परफॉर्म करता है तो उसमें मतलब डांसर्स के किस तरह के ड्रेस होते हैं, इस पे आ सकता है। या फिर स्टेट की डांस फॉर्म तो याद करनी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट सारी याद करनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि नॉट अ डांस फॉर्म ऑफ गोवा। तो अगर वैसा भी ऑप्शन हो सकता है कि तीन कॉमन है, तीन डांस फॉर्म है और चौथा वाला नहीं है, तुमको नहीं वाला निकालना है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब उसके बाद आता है ईस्टर्न घाट
के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ईस्टर्न घाट की हाइट कितनी है उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आया था। देन आता है आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि आपको पता है एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में, सीपीयू में भी, इनफैक्ट सारी एग्ज़ाम में आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। प्लस हमको पता है कि जीके से 50 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन जैसे ही आते हैं तो आर्टिकल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वैसे ही आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन 4 से 5, 5 से 6 ऐसे देखने को मिले हैं इस वाले शिफ्ट में। आर्टिकल 141 जो कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आया था। देन आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की पे क्वेश्चन आया था, आर्टिकल 51A पे क्वेश्चन आया था, आर्टिकल 40 पे क्वेश्चन आया था जो कि हमारा स्टेट पॉलिसी को डिफाइन करता है, आर्टिकल 40 पे क्वेश्चन आया था। वैसे ही आर्टिकल 174 पे जो गवर्नर के राइट्स के ऊपर बेस्ड है, आर्टिकल 174 उस पर भी क्वेश्चन आया था। तो ये सारे क्वेश्चन आपको आर्टिकल बेस्ड देखने को मिले हैं, आने वाले शिफ्ट में भी ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, घुमा के पूछ सकता है। आर्टिकल 141, 51A, 40 और 174 भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है। इनफैक्ट अगर शिफ्ट 1 में जितने भी आर्टिकल्स आए थे वो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो आप देख लीजिए, ताकि आने वाले शिफ्ट में अगर आपके एग्जाम हो तो वो आपको ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की जो हाईएस्ट पीक थी उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। देन पूछा गया है बुक बैडमैन पे पूछा गया है, बैडमैन किसने लिखी है, गुलशन ग्रोवर ने लिखी है, बैडमैन पे पूछा गया। देन पूछा गया माय कंट्री माय लाइफ, ये किसने लिखी है, ये लाल कृष्ण अडवाणी ने लिखी है, तो एल के अडवाणी की एक बुक आई है। देन गुलशन ग्रोवर, तो ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो बुक्स एंड ऑथर्स आई होप आप सभी ने अपने वो अपने नोट्स बनाए होंगे, आपके पास होगा और जहाँ पर बुक्स एंड ऑथर्स की नेम्स होंगे तो वो सारे नोट्स को आप एकदम प्रिपेयर कर लीजिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर बेस 2 से 3 क्वेश्चंस आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में भी आया, सेकंड शिफ्ट में भी आया, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले शिफ्टों में भी इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देन आता है फेस्टिवल बेस्ड क्वेश्चन। फेस्टिवल बेस्ड क्वेश्चन में पूछा गया दिवाली कौन से महीने में मनाई जाती है, दशहरा कौन सा मास में मनाया जाता है, तो दिवाली कार्तिक महीने में मनाई जाती है, वैसे ही दशहरा अश्विन महीने में मनाया जाता है, तो फेस्टिवल बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। देन भूपेन हजारिका का क्वेश्चन पूछा था कि इनको भारत रत्न कौन से ईयर में मिला है, इनको भारत रत्न 2019 में मिला है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जहाँ पर आपको भारत रत्न जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनके उनसे रिलेटेड उनको कौन से ईयर में भारत रत्न मिला है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये याद कर लीजिए। देन वास्को द गामा कौन से ईयर में इंडिया आया था, इस पर भी एक क्वेश्चन है, तो वो 1498 पे आया था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देन पूछा गया था फिनेंस कमीशन का एक आर्टिकल 280 आया था। देन प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एवरी आर्टिकल 280 में है फिनेंस कमीशन, बेस्ड क्वेश्चन आया था, आपको पता होना चाहिए फिनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल 280 में आता है। देन आता है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और ये एवरी 5 ईयर्स में क्या होता है, बदलता है, ठीक है। फिर आरबीआई रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखने को मिला है, तो आरबीआई रिलेटेड जितने भी न्यूज़ आए थे ये सारे करंट अफेयर्स में कवर होंगी, तो जितने भी न्यूज़ है आरबीआई रिलेटेड उस पे बेसिस पे क्वेश्चन आया था। देन आइस हॉकी 2023 ये कहाँ पर होता है, ये लेह लद्दाख में होगा, तो इस पे भी क्वेश्चन आए थे। देन आपको देखने को मिला है वुमेन एम्प्लॉयमेंट सेंसस पे एक क्वेश्चन आया था, जो 2011 का वुमेन एम्प्लॉयमेंट सेंसस था उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आया था। देन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल पे भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद इकोनॉमिक्स के आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इस शिफ्ट में 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद दिल्ली सुल्तानेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, मोहनजोदारो हिस्ट्री से ये सारे आए थे, हिस्ट्री में मोहनजोदारो से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। देन मुगल्स का मुगल्स पे मैच द फॉलोइंग बेस क्वेश्चन भी आया था, और बायोलॉजी का क्लोरोप्लास्ट का एक क्वेश्चन दिया हुआ था। सो ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं आपको जीके जीएस से, तो ये सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाले शिफ्ट के लिए। आने वाले शिफ्ट में भी ये सारे टॉपिक्स आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास और भी इंफॉर्मेशन, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है शिफ्ट 2 में, तो आप डेफिनेटली कॉमेंट में बताएं कि और क्या क्वेश्चन आया था और आपके कितने अटैम्प्ट रहे हैं। तो जीके
जीएस में अगर आपने 35 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है तो गुड अटेम्प्ट है, क्यों, और अगर आपने अच्छा और भी मार्क्स स्कोर किया है, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सीपीयू के प्रीवियस ईयर की एग्ज़ाम है बिल्कुल उसी तरह इस बार भी पूछा गया है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप बिल्कुल उसी तरह से तैयार कीजिए अपने आने वाली एग्ज़ाम, अगर आपके आने वाले सेप्ट में एग्ज़ाम है तो रिवाइज़ कीजिए अभी लास्ट मिनट में, प्रेशर लेके कुछ नहीं होगा, आपने जितना प्रिपेयर किया उसको रिवाइज़ करने का टाइम है, तो उसको रिवाइज़ कीजिए, और ये सारे जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं जो सेप्ट में आ रहे हैं, अगर आपका कल एग्ज़ाम है या परसों एग्ज़ाम है या आने वाले सेप्ट में एग्ज़ाम है, तो ये टॉपिक को एक बार बस देख लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड कुछ अगर क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आता है तो आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वांट में कैसे क्वेश्चंस आए थे, तो अगेन क्वांट के में 50 क्वेश्चंस थे टोटल, उसमें भी किस तरह के क्वेश्चन आए थे, परसेंटेज का जो क्वेश्चन है, परसेंटेज जो चैप्टर, उसके क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चंस देखने को मिले, एक ट्रायंगल का एरिया बेस्ड क्वेश्चन था और एक सर्कल बेस्ड क्वेश्चन था, 2 सर्कल दिए हुए थे उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था, देन क्या बोला था, रेशियो के आपके 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं शिफ्ट में, सिंप्लीफिकेशन के 7 to 8 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, एवरेज के 1 क्वेश्चन देखने को मिला है, देन मिक्सचर एंड एलिगेशन का 1 क्वेश्चन देखने को मिला है, स्पीड में एवरेज स्पीड पूछी गई है, इसके 1 क्वेश्चन देखने को मिला है एवरेज स्पीड, देन बोट और स्ट्रीम का क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्पीड ऑफ वाटर पूछा गया है, इसमें भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है, देन आता है ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं शिफ्ट में, मेंसुरेशन के 3D के क्वेश्चंस आए थे, इसमें 3 क्वेश्चंस देखने को मिले, एक तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का पूछा गया था, एक कर्व सरफेस एरिया बेसिस बेस तो क्वेश्चन है, तो मेंसुरेशन के 3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, देन क्या है, अलजेब्रा, अलजेब्रा के टोटल 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, एसआई के एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एसआई में, जिसमें डायरेक्ट PRT वाला फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसमें शायद प्रिंसिपल निकालना था और एसआई दिया हुआ था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन आया था, और देन DI के क्वेश्चन 6 से 7 देखने को मिले हैं, तो DI के जैसे आते हैं आपको DI के 6 से 7 अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिले हैं, हो सकता है 2 क्वेश्चन हो, 2 सेम और ग्राफ हो बट डिफरेंट क्वेश्चन हो, ऐसा भी देखने को मिला है, टोटल 6 to 7 क्वेश्चन आपको DI से आए हैं, तो आपका जो भी सेक्शन स्ट्रॉन्ग है आप अभी से स्ट्रैटेजी बना लीजिए, आपके अगर आने वाले सप्तों में एग्ज़ाम है आपका तो आपको अभी से इसके बेसिस पे जो भी एनालिसिस हो रही है, आप अगर एनालिसिस को देख रहे हो तो अभी से आप पूरा कैटेगराइज कर लीजिए कि आपके कौन से सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है, कितना आप कर सकते हो, इस बेसिस पे आप डिफाइन कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले रीजनिंग की तरफ, ठीक है, तो रीजनिंग के बोला गया है इजी क्वेश्चंस आए थे, जैसे हर साल आता है जी, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग से, जो नॉन वर्बल रीजनिंग है उससे मिरर बेस्ड क्वेश्चन आया, इनफैक्ट मिरर बेस्ड के 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं इस शिफ्ट में, एम्बेडेड फिगर का जो क्वेश्चन है इसके बेसिस पे आया है, पेपर फोल्डिंग और कटिंग, पेपर फोल्ड करके फिर उसको कट करने वाला वैसा भी क्वेश्चन आया है, देन वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, नेक्स्ट फिगर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस जो नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं, अगेन 50 क्वेश्चंस हैं CPU के शिफ्ट में, 50 क्वेश्चन है रीजनिंग के, तो आउट ऑफ 50 कम से कम आप 10 से 12 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नॉन वर्बल से पूछा जाए, तो ये सारे नॉन वर्बल्स के क्वेश्चन हैं, देन आया डायरेक्शन सेंस के 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है, डायरेक्शन सेंस के 2 क्वेश्चन आए हैं, डाइस बेस्ड था, तो डाइस बेस्ड के डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि होता है ना यहाँ पर, जैसे डाइस दिया हुआ है तो उसमें कितने होते हैं, उसमें 3 साइड दिए हुए हैं, ठीक है, 2, 5, 6, 8, तो इसके जो ऑपोजिट होता है, ऐसे डाइस बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसमें 2, 5, 6 दिया हुआ है, दूसरे डाइस में 2
एट वन दिया हुआ है तो ऑपोजिट पूछेगा कि एट का ऑपोजिट क्या होगा, तो फाइव होगा। सो इस तरह से डाइस के क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ऑपोजिट वाले क्वेश्चन होते हैं, वही आए हैं। दो से तीन क्वेश्चन देखने को मिला है। देन आता है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। तो चार से पाँच क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेटर बेस्ड हो या नंबर बेस्ड हो, दोनों ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं एग्जाम में। देन डिक्शनरी ऑर्डर अरेंजमेंट, ये इसके भी क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले शिफ्ट में भी आई थी डिक्शनरी ऑर्डर अरेंजमेंट की, इस शिफ्ट में भी आ रहे हैं। देन नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज, जो कि इजी लेवल का था, इजी टू मॉडरेट लेवल का, 4 to 5 क्वेश्चंस देखने को मिला है सीरीज के क्वेश्चंस। सिलॉगिज्म 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं इस शिफ्ट में, 2 क्वेश्चन सिलॉगिज्म का आया है। देन सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था, तो इस बार सीपीयू में शिफ्ट वन में भी आपने देखा कि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, इस शिफ्ट में भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन मिला है। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था और 6 पर्सन को अरेंज करना था सर्कुलर अरेंजमेंट में। देन ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आया है, इनफैक्ट कोडेड ब्लड रिलेशन बेस्ड आया है, जिसमें ए प्लस बी इज इक्वल टू वो ए प्लस बी मीन्स दे दिया होगा कि ए इज़ द फादर ऑफ बी। तो ऐसा वाला जो क्वेश्चन होता है कोडेड होता है, जिसमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दिए जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में आए हैं। सो ये सारी क्वेश्चंस आप अपन आने वाले शिफ्टों में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चंस पूछें। देन क्लॉक का एक क्वेश्चन आया था, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, मैथमेटिकल इक्वेशन अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें कोड दिया हुआ है कि एट द रेट का मतलब प्लस होता है, एडिशन होता है, और परसेंटेज का मतलब डिवीजन होता है, इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। या फिर इंटरचेंज वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं कि साइन को इंटरचेंज कर देगा या नंबर को इंटरचेंज कर देगा। तो इस तरह से मैथमेटिकल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। एनालॉजी के 2 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिले, अगेन लेटर नंबर सारे की तरह के एनालॉजी होते हैं। देन क्लासिफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चंस, अगेन जो ऑड वन आउट वाले क्वेश्चंस होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो ये पूरी एनालिसिस थी रीजनिंग की। रीजनिंग में बच्चों ने अच्छे अटेम्प्ट किए हैं, 39 to 40 क्वेश्चंस बच्चे अटेम्प्ट करके आए हैं, तो मतलब 39+40+ ईजी बोला गया है रीजनिंग को कंपेयर टू अदर सेक्शंस। सो इसलिए रीजनिंग अच्छे स्कोरिंग टॉपिक का मानी जाती है। आई होप आप सभी जो भी देने जा रही एग्ज़ाम अच्छे से करके आए, सारे ही सेक्शंस के पेपर्स, आप सारे ही सब्जेक्ट के पेपर्स आप अच्छे से वहाँ पर अटेम्प्ट करके आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश में भी अगेन 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चंस पूछे गए। पैराग्राफ के क्वेश्चंस से हमें क्वेश्चंस अभी तक मिल नहीं पाया है, बट पैराग्राफ से बोला गया है कि 5 क्वेश्चंस आए हैं। एंटोनिम्स सिनोनिम्स से भी 5 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो बहुत ही डायरेक्ट और इजी लेवल की थी। जो जिन बच्चों ने दिया है इस शिफ्ट में, उन्होंने बोला है ईजी टू मॉडरेट लेवल के थे, और मोस्टली ईजी लेवल के ही पेपर थे, क्योंकि उनसे डायरेक्टली बन जा रहा था कि एंटोनिम और सिनोनिम क्या होगा, वो डायरेक्टली निकल जा रहा था। देन एक्टिव टू पैसिव वॉइस वाले क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ईडियम से क्वेश्चन देखने को मिला है, इसमें एक बोला है टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ये वाले क्वेश्चन ईडियम से पूछे गए हैं, टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ईडियम बेस्ड 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को बिलीव, पूरी तरह से बिलीव ना करना किसी चीज़ को, जो देख ली, कोई चीज़ देख ली या फिर कोई किसी को आके कुछ बोल दिया है, तो उस पर पूरी तरह से यकीन ना करना को टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट बोलते हैं। देन इनडायरेक्ट स्पीच बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, स्पेलिंग करेक्शन बेस्ड 4 to 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्पेलिंग बहुत ही ईजी से स्पेलिंग दी हुई है, उसमें करेक्शन उस पर वो करेक्ट है या नहीं है, जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही 4 से 5 क्वेश्चन ईजी लेवल की क्वेश्चन पूछी गई है, और जो एरर डिटेक्शन है इस पर भी क्वेश्चन देखने को मिला है। सो ये सारे इंग्लिश के टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इस शिफ्ट में भी आई हैं। इनफैक्ट आने वाले में भी इन सारे क्वेश्चंस से पूछा जाएगा, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सारे ही शिफ्ट में ऑलमोस्ट सेम सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको आई होप आपने समझ लिया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आप अभी नोट डाउन कर रहे हो तो सेटअप स्क्रीनशॉट ले लो, और ये सारे टॉपिक्स को जीए, इंग्लिश रीजनिंग और पॉन्ट। अब देखिए इंग्लिश रीजनिंग और पॉन्ट पे तो आप कुछ कर नहीं सकते, अब आपने जितनी प्रैक्टिस करी होगी उस पर
उस पे उसके बेसिस पे आप एग्ज़ाम में भी कर लोगे। बट जो जीए के क्वेश्चंस हैं अभी भी लास्ट मिनट में टाइम है, एक बार रिवाइज कर सकते हो, या फिर जो क्वेश्चंस आए हैं उस पे उस टॉपिक पे जाके एक बार आप पढ़ सकते हो। तो ये सारे टॉपिक हैं, अगेन एसएससी का एग्ज़ाम है, एसएससी सीपीओ एसएससी कंडक्ट करवाता है, तो आपको पता है कि सारे ही सब्जेक्ट में जो पेपर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल के होते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, थोड़ी बहुत घुमा के क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, बट अदरवाइज पूरे ही सिमिलर होते हैं। तो आने वाले शिफ्ट के लिए आप अभी से एटलीस्ट जी के क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लो। अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, बिल्कुल प्रेशर प्रेशर नहीं लेना है, आपने जितना प्रिपेयर किया है उस पर भरोसा रखिए। और आने वाले शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम है तो डेफिनेटली एकदम कॉन्फिडेंटली जाइए, अब लास्ट मिनट में ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, जो आया है बस ऊपर से देखिए, ऊपर से जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे देखें, अदरवाइज़ आपको ज़्यादा बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम बिल्कुल आपके सामने है। तो आपने जो भी दिया है आप जाके वहाँ पर लिख के आइए और अपना बेस्ट दीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आगे जो होगा वो होगा, बट अभी आपको जाके एग्ज़ाम में अपना बेस्ट देना है, विदाउट प्रेशर जाइए और जाके एग्ज़ाम दे के आइए। तो चलिए मिलते हैं अगले शिफ्ट के एनालिसिस पे, और आपको कोई भी आपको क्वेश्चन अगर इनमें से और भी आपको पता है कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे तो वो कमेंट में शेयर कर सकते हैं, आपने कितना स्कोर किया, आपने कितना अटैम्प्ट किया, वो आप डेफिनेटली हमें कमेंट में बताएं। और अगर कोई भी क्वेरीज है या फिर नेक्स्ट शिफ्ट में भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो आप शेयर कर सकते हैं कि अगले शिफ्ट में अगर आपकी एग्ज़ाम है और आपको पता है कि कोई किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली शेयर कीजिए, ताकि आने वाले बच्चों जो आने वाले शिफ्ट है उनको हेल्प मिले। तो चलिए ऐसे ही अपना बेस्ट दीजिए आने वाले एग्ज़ाम में, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग एग्ज़ाम, और डेफिनेटली आके अपना अटैम्प्ट नंबर ऑफ अटैम्प्ट ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।